अंबिका कॉटन के बारे में, और ये सवाल पूछा है पार्थ जी ने। आपके रडार पर रहा है ये शेयर या? जी बिल्कुल, मैंने काफी बार दिया है, जेम स्टॉक्स में भी दिया है, अंबिका कॉटन और मेरी वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज ओनली, और ये तो ये कैटामारन चार इंडस्ट्री। महीने के लिए देखना चाहते हैं इसको कि 4 महीने में कैसा रहेगा, और ये इनके मुझे समझ पास नहीं जो आता ये महीने कैसे निकलते, 4 और 6 और 3। लेकिन आप तो ये जी देखते हैं कि भाई आप जब ले रहे हो यहाँ पे तभी लो कि वो अनवांटेड मनी हो और ये पैसा कभी आपको काम में आने वाला नहीं हो, तब पैसा बनता स्टॉक मार्केट में। आप सोचोगे कि मेरे पास 4 महीना फ्री है पैसा और मैं ले लूं, और उस टाइम पे अगर अंबिका कॉटन नीचे गिरा हुआ मिले, तो गिरा हुआ रहे, तो आपको काफी दुख होगा निकलने में। तो इसीलिए पैसा तो देखिए यहाँ पे वही लगाए जो आपका अनवांटेड मनी हो। अब पैसा अनवांटेड होता नहीं है, ये भी बात सही है, बट एटलीस्ट 3 साल 5 साल का नजरिया शॉर्ट टर्म के लिए हो तो आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से, और फिर आप अपने टेक्निकल्स और अपने हिसाब से काम करें। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि अंबिका कॉटन मुझे अच्छा लगता है इन लेवल्स पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, और इसमें एक टाइम पे नारायण मूर्ति जी की जो इन्वेस्टमेंट आम है कैटामरान इन्वेस्टमेंट्स, वो भी इन्वेस्टेड हुआ करती थी। बट जस्ट दैट की कॉटन की प्राइजेस को लेकर और ओवरऑल एक टेक्सटाइल सेक्टर में अभी मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, बट फिर भी अंबिका कॉटन रिजल्ट्स भी थोड़े से मार्च वाले रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए थे, बट ओवरऑल काफी करेक्ट हो चुका ऊपर के लेवल से। इनफैक्ट मैंने इसको जब रेकमेंड किया तो ऊपर के लेवल से 1800 के लेवल्स भी दिखा के वहां से नीचे आया हुआ है, तो डरे जी नहीं, जी अपने हिसाब से होल्ड करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले दिनों में 3 से 6 महीना तो मिनिमम दीजिए, कम से कम 2-3 क्वार्टर्स, मतलब 4 महीना के जगह पे आप 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर की बात करें तो पैसा बनेगा। क्योंकि जैसा कि अभी आपने राजीव जी जो चार्ट खोले हैं, तो देखिए इसको देख के ये फीलिंग आ जाती है कि बहुत काफी करेक्ट हो चुका है, डाउनसाइड रिस्क कम लगती है और अपसाइड बढ़िया लगता है, तो जी ठीक है। लेकिन जो नीचे अटका हुआ रहा है, मतलब महीनों से, कितना समय हो गया? पिछले मार्च 2022 के मार्च से ही इसमें गिरावट शुरू हुई थी, तो 1.5 साल से ये मतलब प्रेशर के अंदर ही है। तो क्या अब वो फेज खत्म हो रहा है, जल्दी खत्म हो जाएगा, या ऐसे ही कुछ समय तक और घिसटता रहेगा? देखिए बीच में अभी सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स काफी चले तो थे, थोड़े थोड़े मूवमेंट में आने लगे थे, और ये भी वैसा ही है, और कुछ ये स्पेशलिटी कॉटन यार्न वगैरह बनाते, थोड़ा सा कॉटन यार्न और ये सब में थोड़ा सा मैक्रो फैक्टर्स काम कर रहे हैं, उसकी वजह से ये कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रही, बट द मैनेजमेंट क्वालिटी, द बैलेंस शीट क्वालिटी, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो सिक्लिकल स्टॉक है, जिस दिन आप घुसे थे तो आपको पक्का पता होना चाहिए था कि ये सिक्लिकल स्टॉक है, तो सिक्लिकल स्टॉक में साइकिल्स के हिसाब से पैसे बनते हैं, बट जब बनते हैं तो बड़े जोर से बनते हैं, अगर आप लोअर एंड ऑफ द साइकिल में घुस जाओ और हायर एंड में निकल जाओ तो जबरदस्त पैसे बनते हैं, तो तो ठीक इनका भी कंपनी टाइम है। आएगा हाँ, इनका भी टाइम आएगा। हाँ जी।